काउंटिंग शुरू होने वाली है, आपकी दिनचर्या आज क्या रही सुबह से? आज सुबह प्रातःकाल सबसे पहले हम सूर्यकुंड गए और सूर्यकुंड में हनुमान जी महाराज के आज जो विशेष पूजा होती है 3:30 बजे, मैं उसे 3:30 बजे की उस पूजा में जो आरती पूजा होती है सुबह प्रातःकाल उसमें शामिल हुआ और वहाँ से जो भंडारा होता है थोड़ा प्रसादी लेकर के वहाँ से माँ नर्मदा की पूजा अब 5 बजे और वहाँ से रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता है, गुरुद्वारा भी जाना हुआ तो गुरुद्वारा, इसके बाद नर्मदा जी और नर्मदा जी की पूजा अर्चना करने के बाद अभी मैं जस्ट आया हूँ और अभी मतगणना का कार्य अभी प्रारंभ होने वाला है। अभी मतगणना जैसे प्रारंभ होंगे और मैं फिर मंडला जो हमारा बीजेपी कार्यालय है वहाँ पर हम लोग इंतजार करेंगे। मंडला सीट को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए वैसे अभी तक का जो अनुमान है, जैसे हर बार है मंडला के बारे में जो लोग आकलन करते हैं, परंतु मेरा अपना अनुमान है कि जनता का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। पिछले समय जब 14 में ओमकार मरकाम लड़े थे उस समय 1,10,000 से वो पीछे थे और चुनाव हारे थे। उस समय गोंडवाना लगभग 1,41,000 वोट उनको प्राप्त हुए थे, तब मैं 1,10,000 से जीता था। 19 के चुनाव में जो गोंडवाना का कैंडिडेट था वो 19 में कांग्रेस का कैंडिडेट हुआ, तब हम लगभग 1,00,000 वोटों के अंतराल से जीते थे, लगभग 99,000 वोटों से जीते थे। तो इस प्रकार का समीकरण रहा है, तब गोंडवाना जरूर करीब 43,000 वोट गोंडवाना को मिला। और इस बार भी विधानसभाओं का जो समीकरण है गोंडवाना सहपुरा बिछिया, दो ऐसे विधानसभाओं में लगभग सहपुरा में 42,000 के आसपास और लगभग 37,000 के आसपास भी हमें वोट प्राप्त हुआ। बाकी विधानसभाओं में उनकी कोई बहुत अच्छी भागीदारी नहीं हुई, किसी घनसौर जो लखनादौन हमारा कहलाता है वहाँ 26,000, निवास में 21,000 ऐसा वोट उसको प्राप्त हुए। तो अगर इस दृष्टि से भी देखेंगे तो विधानसभा का और आज लोकसभा अभी जो 24 का हुआ है इसमें लगता है कि जो अंतराल है वो बहुत बड़ा वोट का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।